मैं मौली जी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये छपरा गांव का नज़ारा है। अब यहाँ पर इस गांव के बाजू में एक नाला बहता है, उस नाले के जरिए से यहाँ पर काफी तूफानी बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर लकड़ियों की वजह से जहाँ पानी रुका हुआ है उसको निकाल दिया जा रहा है। ये एक हेल्पिंग नेचर काम किया जा रहा है। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर लकड़ियों को जो इकट्ठा हुई है लकड़ियों को बाजू में निकाल कर जो पानी रुका हुआ है उसको निकाल दिया जा रहा है। ये ब्रिज के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा बाहर ही हूँ, लेकिन उस बाहर से मेरे कमर तक पानी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरे बेला मंडल में पानी का जो तांडव है बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी जाएंगे आप बेला मंडल के अंदर में जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ पर पानी ही पानी नजर आएगा। और अभी 16 तारीख तक बारिश का अनुमान है और हम आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि ऐसे इसमें बाहर निकलना, बाहर जाना या कोई सफर करना पड़े कोई सफर भी ना करें, क्योंकि न जाने कब पानी का बहाव ज़्यादा हो जाएगा और आप जहाँ है वही रुक जाएंगे। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। माय मावली आपको सतत बताते रहनी है, समझाते रहनी है, बोलते रहनी है। और माय मावली सबसे पहले आप तक न्यूज़ पहुँचाने में सक्षम है और सबसे पहले ही आप तक न्यूज़ पहुँचाएंगी। पानी की जो भी अपडेट है वो आप तक भेजते रहेंगी। और ऐसे पुलियों के ऊपर से गुजरना, पुलियों के ऊपर से आवक जावक करना बिल्कुल ना करें। यहाँ पर ऐसा पानी रुका हुआ दिखे, बहता हुआ दिखे, बिल्कुल रुक जाए। हम सोशल मीडिया पर कई हादसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि पानी के बहाव में कुछ कल ही नागपुर में एक स्कॉर्पियो बह चुकी है और उसमें 6 या 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ गांववासी है, छपराला गांववासी है, पानी जहाँ पर रुका हुआ है उनकी मदद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर जो पानी का बहाव है? बहुत बारिश अब गिरा, बहुत नाला आ रहा है, बहुत गांव में पानी जा रहे हैं, अपना गजगार तक पानी आए, ट्रैक्टर निकालना लगे, ट्रैक्टर बहने वाले थे, उसका नाला आ गए। रात भर छपराला गांव के जो गांववासी है वो रात भर चिंता में थे कि पानी के बहाव कब आएगा और पानी के बहाव से सतर्क रहे और पूरे गांव को भी सतर्क रखे हैं। चलिए पर आप बने रहिएगा हमारे साथ माय मावली हिंदी समाचार के साथ। कैमरामैन राजू के साथ इस्माइल शेख, माय मावली छपराला। छपराला गांव की दुख भरी कहानी, ऐसे 10 से 12 घर जो है पानी में डूब गए और 10 से 12 घरों में पानी घुस गया। यहां पर प्रशासन की तरफ से और यहां पर बोला गया था, यहां पर सरपंच की ओर से बोला भी गया था इन लोगों को कि रात में जो रात का मौसम है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, लेकिन घर छोड़कर कोई भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्या ऐसा इन घरवासियों को ऐसा लग रहा था कि हमारे घर तक तो पानी नहीं आता, लेकिन पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है। और हम आपको माय मावली सतत कह रही है कि आप अगर नाले के बाजू में है, नाले के तरफ आपका गांव है, आपका रुख है, तो बिल्कुल सतर्क रह जाए, ऐसी हालत आपकी भी ना हो, इसलिए हम बार बार सतर्क रख रहे हैं। अभी इन लोगों को, ये जो पीड़ित लोग हैं, पूरा इनका जो घर का सामान, साज सामान और मुर्गियां वगैरह, इनके जो जानवर थे वो भी भूखे हैं, 8 दिनों से भूखे हैं। लेकिन इन लोगों को अभी छपराला गांव के सरपंच, उपसरपंच और सतीश भाई, इन्होंने एक निर्णय लिया है कि इनको रेतु वेदिका में शिफ्ट करेंगे और उनके खाने का, उनके रहने का पूरी तरह से इंतजाम करेंगे। और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सतर्क रहें। माय मावली आपको सबसे पहले ये खबर पहुंचा रही है, पर आप बने रहिएगा माय मावली के साथ। पानी कहाँ से, यहाँ से गया क्या? हमारे घर देवा लाल लाल छोटे छोटे लाल लाल बच्चे हैं हमसे रात्र जगन रात भर तुम्हारे खाले ना कि पानी हमारे पानी वाट रात भर बसन रहा जा।
ताई तुम्हाला आता ऋतु वेदिका मध्ये शिफ्ट करताय, तुमच्या खाण्याचा राहण्याचा पूर्ण इंतजाम करताय. इथं बेल्याचे सरपंच, उपसरपंच आणि सतीश भाऊ हे पूर्ण जनप्रतिनिधी छपरालाचे आहे ना, ते सर्व तुम्हाला काय करताय म्हणलं तर ऋतु वेदिका मध्ये शिफ्ट करताय. घर देवा घर दिलं तर उत्तरी बांधलं तर घरामध्ये राहील आणि चांगल्या तरी पोरबाराला घेऊ. ते आमचं इतिहास आहे. आता मुगडे काटा ना आम्ही पूर्ण सरपंच, उपसरपंच, सरपंच दादा पूर्ण आम्हाला काहीतरी मदत करावा. आम्हाला राहायला मदत बसी करा, आम्हाला खायला थोडं मदत बसी करा, आम्हाला राहायला घर तरी देवा. वगैरे काटन आहे, लहान लहान आहे, छोटे गरीब माणसं आम्हाला देवा, आम्हाला राहवाले थोडस घर देवा. पूर्ण आण गिन भिजलं, पुरा कोंबडा गिमडा मेला, नावना धिंगाण झालं. ते सतीश दादा, ते सरपंच दादा, ते नावना पूर्ण लोक घरात मदत देणे. आता सामान तिकडं ते रायतू बंदी म्हणून जात आहे. आम्ही ऑफिस मध्ये केलं, आता ते ना गाडी सामान घेऊन जात आहे. काय पुरा परेशान करून टाकले घरदार, पूर्ण हे पाणी धिंगाणा करून टाकले. किती वाजता रात्री पाणी आलं तुमच्या घरामध्ये? साडेआठ. तुम्हाला कोणी सांगितलं नव्हतं का तुम्ही नाल्याच्या बाजूला आहे, मग थोडं सतर्क राहा, जागृत राहा म्हणून? होते पिलू होते, त्यांना नेले आता घरातून. ते दुसऱ्याच्या घरी जाऊन बांधलो, दुसऱ्याच्या घरी जाऊन थोडं झोपलो आम्ही. परेशान झालं, नावना धिंगाणा करून टाकले. अनाज नाही, पूर्ण भिजून गेलं, वाहून गेलं, धिंगाणा करून टाकलं, पाणी परेशान करून टाकलं. नाना परत लढत लढत उतरात घरी जाऊन झोपले, धिंगाणा करून टाकलं. आमच्या घरामध्ये पाणी धसलं रातभर. आम्ही तसे हिंडते इकडे तिकडे फडफडत राहिलो. तुझ्या शेजारच्या घरामध्ये झोपलो रातभर. आपला सरपंच, उपसरपंच तरी येऊन आपल्या ह्याच्यामध्ये लोक गावकरी पुढे मदत करत आहे. घराचं पाणी, नाल्याचं पाणी पुरं घरामध्ये धसलं. तिथं काही परेशान आहो. आता काही खायला नाही आहे तर कसं करा तुम्ही, मदत करा तुम्ही. आता इतना पानी का तांडव है, आप लोग जनप्रतिनिधि है, तो फिर आप लोग इन लोगों को सतर्क रखने की क्या कोशिश करें? और इनके घरों में पानी गया, ये रात भर जागते रहे, यानी इधर का जो मोहल्ला है ये 20-30 घरों को पानी का प्रभाव पड़ सकता था. तो आप इस मोमेंट में आप क्या करें? सरपंच, उपसरपंच, आप सती, आप भी है यहाँ पर, और इन लोगों को सतर्क रखना चाहिए था. इनके घर पूरे भीग गए, इनके बकरियाँ मुर्गियाँ जो भी था इनका नुकसान होगा. इसके लिए आप क्या बोलना चाहते? हम इसको बोले थे पहले, थोड़ा काटे नाले के काटे पे है इसको, लोगों को थोड़ा अब तुम पहले निकाल के रायत वेदिका, नहीं तो स्कूल पे इसको ये करना बोले के बोले थे. लेकिन इन्होंने कैसा बोले तो अपना घर छोड़ के आए, आता के पानी बोल के अब थोड़ा हे में रह गए. इसलिए मैं एक दो दिन बारिश आए बोल के टीवी में फोन में देख के इसको लोगों को बताया, गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रहा पानी आए बोल के, इसको बोले समझे. लेकिन घर छोड़ने के थोड़ा इन आए तक भी देख के रहे. अब रात को 9 बजे 9:30 बजे किसी को पता नहीं आके पानी इस घर में घुसा. इसलिए हम आज आके सुबह आज क्या कर रहे हैं आप? आज इनको कहाँ शिफ्ट कर रहे? आज हम रायत वेदिका में इसको उसका सामान पल्ले प्रगति का ट्रैक्टर में डाल के और इसको रायत वेदिका में शिफ्ट करके इसके पूरे इंतजाम करने के लिए तैयार हो. इनका खाने का इंतजाम? खाने का इंतजाम भी हम सब लोग मिल के इसको कुछ चावल बिवल दे के उसको करके देना बोल के भी हमारा करने का सोच है. अब कितने घर ऐसे प्रभावित हुए? एक यहाँ पे 4-5, उधर और 4-5 बोले 10-12 घर को ऐसा पानी का प्रॉब्लम है. ठीक है जी, धन्यवाद.